सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक उडुपी के एक कॉलेज में जन्मा हिजाब विवाद अब फिर रोज अपने हो रहे हियरिंग की वजह से चर्चा में है। दोस्तों, हमने पहले हियरिंग के दिन तय किया कि खबर आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन किसी वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। हमें ये मलाल हो ही रहा था तो दूसरे दिन फिर उस मामले में हियरिंग हुई और जज साहब से फिर एक शानदार कमेंट मिला और वहाँ पे अब हमारा लालच बढ़ गया है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? तो आइए जानते हैं क्या है अब ये नया किस्सा। हमने सोचा कि अगर आज कर लेते हैं तो संभव है कल जज साहब कोई और बड़ी टिप्पणी करें और वो खबर छूट जाए, इसलिए हम तालाब के उस बगुले की तरह बैठ गए चुपचाप, जो अपने बेस्ट पीक के इंतजार में होता है। और जैसे ही हमें इस मामले में बेस्ट पिक मिला, हम आ गए दोस्तों। तो आइए जानते हैं, तो जो पहले पिछले हफ्ते भर में इस मामले में सुप्रीम हियरिंग हुई है उसके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी और फिर आप ये समझ पाएंगे कि मजहबी नाव अब इस मामले किस ओर बह रहा है। इस कहानी का प्लॉट जानते ही होंगे आप, ऐसे कोई नहीं होगा जो शायद नहीं जानता होगा। कर्नाटक के उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ लड़कियों ने हिजाब पहनकर क्लास करने की कोशिश की थी। कॉलेज प्रशासन ने पर यह नागवार गुजरा और उन्होंने इस पर सख्ती के काम लेते हुए इसे रोका। बात मजहबी थी तो हवा में खुले नाले की दुर्गंध की तरह फैली और खूब हंगामा हुआ। हंगामे को कानूनी ढंग से निपटने के लिए मामला कर्नाटक कोर्ट गया दोस्तों, जहां इस पर फैसला कोर्ट ने कॉलेज के हक में सुनाया और हिजाब की उम्मीद वालों को कानून में रहने की सलाह दे डाली कि कानून से ऊपर खुद को ना समझो। हिजाबी गैंग उठकर सुप्रीम कोर्ट आ गया और अब यहाँ हियरिंग चलने लग गई। पहले तो हिजाबी गैंग ने एक ही राग अलापा कि हिजाब इस्लाम का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब जैसे पगड़ी सिखों की अभिन्न अंग है। कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और खूब लताड़ लगाई। फिर हिजाबी गैंग ने दूसरी दलील ये दी कि जैसे कोर्ट में हरियाणवी राजस्थानी पगड़ी पहन लोग आ रहे हैं तो क्या स्कूल में नहीं जा सकते। जवाब में कोर्ट ने फिर फटकार लगाकर ये कहा, मामला कोर्ट का नहीं स्कूल कॉलेज का है, यहाँ तो थोड़ा लॉजिकल बातें करिए। अब जब हिजाबी गैंग ने ये देखा कि बात टिक नहीं रही तो 360 डिग्री में बंदरों वाली गुलाटी मारी। वो देखते हैं ना, बंदर जब सर्कस दिखाता है पूरा 360 डिग्री में घूम जाता है। हिजाबी गैंग ने दलील दी कि बात हिजाब का इस्लाम के अभिन्न अंग होने ना होने की नहीं है, बात है लड़की की अधिकार की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर सुना दी कि पहले यह तय करो कि लड़ना किस आधार पर है, इस पर कि ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या इस पर कि ये महिला अधिकार की बात है। फिर यह जब दलील भी नहीं चलने लगी तो एकदम बेतुका दलील दे डाली मजहबी गैंग ने। अब आप आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। उन्होंने ये कहा दोस्तों कि हिजाब स्कूल ड्रेस के रंग का ही होगा तो क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी भड़क गया कि अब कल को अगर हिंदू लड़के स्कूल ड्रेस के रंग की धोती पहनने की जिद करें तो उनको कैसे रोकेंगे। इतने में जब बात बनती नहीं दिखाई दे रही है तो हिजाबी गैंग को तो उन्होंने आखिरकार जज लोगों को ही अयोग्य ठहरा दिया है। जजों का अयोग्य ठहराते हुए हिजाबी गैंग ने यह कहा कि ये अरबी स्क्रिप्ट्स पढ़ने और उनको समझने की बुद्धि ही नहीं रखते, इसलिए इनकी जगह पर संवैधानिक कमेटी बना दी जाए। अजीब विडंबना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सुना दिया कि कल को आप कहेंगे कि वो भी नहीं रखते अरबी समझने की समझ, तो हम अरबी समझने वाले कहां से लाएंगे और ये देश का संविधान है। इस मामले में कर्नाटक सरकार की तरफ से जिरह कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इतने तगड़े से धोया है दोस्तों कि उन्हें ही क्या बताएं। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी धर्म का अभिन्न हिस्सा होने का मतलब है कि उस धर्म के सभी लोग उसे तब से मान रहे हैं जब से वो धर्म एग्जिस्टेंस में आया हो। हिजाब की इस्लाम में इतना ही अभिन्न अंग होता तो ईरान में लड़कियां अगेंस्ट हिजाब का प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? क्या कभी सिखों को अपने पगड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते देखा है? अगर कोई भी रिलीजियस हैबिट अनिवार्य अंग माना जाने लगे तो कल को लोग कहेंगे कि वो सड़क पर तांडव करेंगे क्योंकि ये उनके भगवान ने किया था तो हम भी करेंगे। ऐसे तो सारी व्यवस्थाएं रिलीजियस हैबिट के सामने घुटने टेक देंगी। तो
मोटा मोटी ये हो क्या रहा है? मोटा मोटी हो ये रहा है कि बैरिस्टर ओवैसी वाली कॉम एक दिन बेसिर पैर की बातें कर रही है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट हर बार उन्हें समझा समझा कर चुप करा रहा है। वैसे एक बात पता है क्या कि इस विवाद में हिजाबी गैंग हारे या जीते नुकसान उन्हीं का है। जीत गए तो जबरदस्ती करेंगे हिजाब पहनने के लिए स्कूल और वर्क प्लेस में, और उनके इस जबरदस्ती से बचने के लिए स्कूल और कंपनियां उन्हें काम देंगी नहीं। और अगर हार गए तो जहां भी आज पहन रही होंगी वो उतरवा लेंगे। तो उन्होंने इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का जो ख्वाब बुना था उन पर ही ये अब भारी होने वाला है। उनके जो असली और दोहरा चरित्र है वो लोगों के सामने आ रहा है। अब तक की हियरिंग की कहानी तो यही है, आगे की हियरिंग के जो भी इम्पोर्टेंट कमेंट्स होंगे वो भी हम आपको ऐसे ही बता देंगे। अब भी बस इतना कहेंगे अभी कहाँ, अभी तो जलील होना और बाकी है। ऐसे ही अपने मामले कोर्ट में लाओ और ऐसे ही दुत्कार पाओ, क्योंकि हरकतें तो लतखोड़ वाली हो चुकी है इनको। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दी गई इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है। बाकी सनातन परिवार को बड़ा करने में आप मेरी सहायक बने, चैनल पे यूं ही बने रहे, भरपूर सहयोग देते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।